सभी को मेरा नमस्कार जी माता रानी की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में श्रावण मास का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्म पुत्र, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता भर्मा का पांचवा मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्र स्थित होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नत व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और भील पत्रों से शिव जी का लक्ष्य पूजन करना चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत और उपासना करनी चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविशान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में साग का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर सहन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्करण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुषुक का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूतित होते हैं और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महापल्ले पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला मास है। हे सतम, इस मास के जो व्रत और धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से
आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगल को मंगल गौरी व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीविंता व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, आप तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओटुम्बर नामक व्रत होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन के लिए प्रसक्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पित नामक से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नौमी तिथियों को नत व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा कर के मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्तरजन उपाकर्म, सभादीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः सावन कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अर्थात ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कलापति नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मन्यावधि तिथि जानना चाहिए। सावन मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृक्षों का पूजन भी किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता भर्मा जी और तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति होते हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी देवता सूर्य और अष्टमी के देवता भगवान शिव है। नवमी की देवी दुर्गा, दसवीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णु देव कहे गए हैं। द्वादशी के भगवान विष्णु जी तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता भगवान शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो
उस देवता की उस तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय हुआ होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत होती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से सावन मास में सूर्य गभस्थित नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। फिर सतम 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। सावन मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल सावन मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों तक भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनन कुमार, आप सावन मास में धर्म का आचरण कीजिए। तो इस प्रकार ईश्वर सनन कुमार संवाद के अंतर्गत सावन व्रतो कथन का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं सावन मास के तीसरे अध्याय में।